हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का श्रेया डिज़ाइन में बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम बनाएंगे कान्हा जी के लिए कॉटन ड्रेस, जो कि हम बहुत ही ब्यूटीफुल सी सिंपल फैब्रिक से बनाएंगे, बिना किसी लेस के, बिना किसी बुकरम के। तो आप देख सकते हैं हमने कितनी प्यारी पोशाक कान्हा जी के लिए बनाई है। ये ड्रेस गाइस हम बना रहे हैं 4, 5, 6 नंबर के कान्हा जी के लिए। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे कान्हा जी की आई है और इसका फ्लेयर कितना सुंदर आया है। हमने इसमें लेस भी नहीं लगाई है, सिंपल कॉटन के फैब्रिक से हमने ये पोशाक बनाई है और इसका घेर काफ़ी सुंदर आया है। तो इस तरीके से आप अपने कान्हा जी के लिए ये पोशाक बना सकते हैं और इस ड्रेस को पहनाना भी बहुत ही आसान है। गाइस, बहुत सारी ड्रेसेस मैंने अपने चैनल पर डाली हुई हैं, आप जाकर देख सकते हैं, जो कि सब अलग अलग डिज़ाइन की हैं और जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है। तो ये देखिए गाइस, कितने अच्छे से हमारे कान्हा जी की फिटिंग आई है। ये ड्रेस 4, 5, 6 नंबर के कान्हा जी के बिल्कुल परफेक्ट आने वाली है। ये मेरे पास 4 नंबर के कान्हा जी हैं जिन्हें मैंने ये पोशाक पहनाई है। ये देखिए कितने अच्छे से आई है। यहाँ भी आप चाहें तो एक आलपिन लगा सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से एकदम सेट होके आई है और कितने सुंदर से हमारे कान्हा जी के लिए लग रही है। अब ये देखिए, हमने इसकी मैचिंग की कैप भी बनाई है, तो हम कैप भी लगाएंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने इस तरीके से कान्हा जी को कैप भी लगा दी है। बहुत ही ब्यूटीफुल सी और सुंदर सी हमारी पोशाक सिंपल सोबर कॉटन की बनकर रेडी हुई है। आसानी से बन जाएगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके की पोशाक आप अपने कान्हा जी के लिए बना सकते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखें, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो इस पोशाक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये कॉटन का फैब्रिक लिया है। 2 कलर का फैब्रिक है, मतलब कलर तो एक ही है पर डिज़ाइनिंग 2 हैं। तो आप देख सकते हैं, एक प्रिंटेड है, एक में कुछ लाइनिंग सी आ रही है। दोनों ही मिक्स एंड मैच फैब्रिक है। तो मैंने जो इस फैब्रिक की लंबाई ली है वो ली है 5 इंचज़ की चौड़ाई है इस तरीके से, और 36 इंचज़ की हमारी लंबाई है। और इसके साथ सेम हमने अस्तर भी कट किया हुआ है। आई होप गाइस आपको अच्छे से वीडियो समझ में आए। अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको अच्छे से ही समझ में आने वाली है, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। तो एक हमने ये कट किया है पीस। दूसरा पीस गाइस हमने बिना अस्तर के ये कट किया है, जिससे कि हम फ्रिल बनाकर ऊपर की साइड लगाएंगे। तो इसकी लंबाई जो है, चौड़ाई है इसकी 3 इंच और लंबाई है इसकी 35 इंच। तो इस तरीके से हमने एक पट्टी ये कट की है। तो इस तरीके से गाइस, पहले आपको अपना टोटल फैब्रिक कट कर लेना है। तो ये देखिए गाइस, इसकी फ्रिल भी हम अपनी ड्रेस में लगाएंगे। अब ये लिए मैंने चोली, चोली की लंबाई ली है मैंने 14.5 इंच और चौड़ाई लिए गाइस 2 इंच। इस तरीके से मैंने ये चोली की लंबाई ली है। अगर आप 4 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रहे हैं ड्रेस को, तो 1-2 इंच चोली की लंबाई कम भी कर सकते हैं। 5 और 6 के लिए 14 इंच, 14.5 इंच तक रख सकते हैं। और ये ली है मैंने पाइपिंग के लिए पट्टी, जिसकी चौड़ाई है 1.5 इंच के लगभग और काफ़ी सारी लंबी है। जितनी हमें नीड होगी हम टोटल लगा देंगे। तो इस तरीके से गाइस, मैंने पहले अपना टोटल फैब्रिक कट कर लिया है, बिल्कुल डिटेल में आपको बताया हुआ है। तो ये देखिए, हम इस तरीके से अपने अस्तर को फ्रंट साइड की तरफ रखेंगे। ये देखिए, फ्रंट साइड हमारी अंदर की साइड है, उसके ऊपर हमारा ये उल्टा फैब्रिक आ रहा है। और इस तरीके से इसको उल्टा करके पहले स्टिच करेंगे। तो ये देखिए, पहले इसकी हम साइड को स्टिच करेंगे। कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है गाइस। अगर आप मुझसे कोई भी ड्रेस परचेज करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है श्रेया क्राफ्ट एंड क्रिएशन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये देखिए गाइस, हमने लंबाई में सिलाई लगाई और दूसरी साइड भी सिलाई लगा दी है। अब इसको इस तरीके से पलट लेंगे, दोनों कॉर्नर अच्छे से खोल लेंगे, ओपन कर लेंगे बहुत ही फिनिशिंग के साथ में। इस तरीके से खोलने के बाद में हम एक सिलाई इस तरीके से पट करके लगा देंगे। जहाँ हमने सिलाई फोल्ड की है उसके ऊपर हमें इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। अगर आप चाहें सिंपल फैब्रिक से बना रहे हो, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर लेस अटैच कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर सिलाई लगा रहे हैं, उसके ही साथ में आप यहाँ पर लेसेस अटैच कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर कोई लेस अटैच नहीं की है, क्योंकि मेरा फैब्रिक प्रिंटेड है और ऐसे ही सिंपल सोवर हम कॉटन की ड्रेस कान्हा जी के लिए गर्मी के लिए बना रहे हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो सिंपल ही मैंने ड्रेस को रहने दिया है। तो इस तरीके से भी आप अपने कान्हा जी के लिए पोशाक बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ से धागे कट कर दिए। धागे कट करने के बाद में जितने भी एक्स्ट्रा ऊपर की साइड धागे और अस्तर है, उसकी हम कर लेंगे यहाँ पर फिनिशिंग। जितने अच्छे से गाइस आप ड्रेस की फिनिशिंग करके ड्रेस को बनाते हो, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है, तो आपकी पोशाक में एक अच्छा सा ग्रेस आएगा। तो ये देखिए, हम इस तरीके से मिलाकर घूमों को भरेंगे, ना ही तो हमें बहुत चौड़े घूम भरने हैं, ना ही बहुत कम चौड़े। तो इस तरीके से ये देखिए, हम घूमों को रखेंगे और सिंपल हमें सीधे घूम स्टिच करने हैं, कुछ भी आपको इसमें नहीं करना है। अगर गाइस आप 4 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रहे हैं, तो आपको 4.5 तक कान्हा जी के घूम ड्रेस के भरने हैं। 5 नंबर के लिए 5.5, 6 नंबर के लिए 6.5। वैसे भी गाइस हम इसमें नेफा लगाने वाले हैं, तो 1/2 इंच आपका ज़्यादा चल जाएगा और कम भी। तो ये देखिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है।
तो ये देखिए हम इस तरीके से अपने घूमों को इक्वल करके एकदम इकसार हमने स्टिच किया है। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है हमारी पोशाक में और इस तरीके की ड्रेस गाइस जल्दी से ख़राब भी नहीं होती हैं। अब देखिए एक हम सिलाई इस तरीके से लगा देंगे अपने घूमों को पक्का करने के लिए। कुछ इस तरीके से हमारा घेर आएगा, सबको इस तरीके से इकट्ठा पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद में गाइस यहाँ से देखिए एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक है घूमों का उसको हम कर देंगे फिनिशिंग। फिनिशिंग काफ़ी ज़रूरी है, इससे हमारी पोशाक काफ़ी अच्छी लगती है और सुंदर आती है। तो ये देखिए ये ये 6 इंच के लगभग हमारे घूम आए हैं। तो ये देखिए इस तरीके से घेर आया है। अब लिए है हमने अपनी 3 इंच और 35 इंच वाली चौड़ी पट्टी, उसको हमने इस तरीके से साइड से स्टिच किया है। ये देखिए गाइस स्टिच करने के बाद में हम इसको साइड से स्टिच करेंगे पहले, फिर इसको लंबाई से भी स्टिच करेंगे। सिंपल हमें एक सिलाई फोल्ड करके लगानी है जिससे कि हमारे धागे और रेशे सारे अंदर की साइड चले जाएं और हमारी पोशाक में फिनिशिंग आए और सुंदर भी लगे। चाहे तो आप यहाँ पर कोई भी लेसेस वगैरह लगा सकते हैं, वो बिल्कुल ऑप्शनल है। जैसे कि मैंने सेम कलर का दोनों फैब्रिक लिया है, आप ये पट्टी दूसरे कलर की भी ले सकते हैं, उससे भी काफ़ी सुंदर लगने वाली है आपकी ड्रेस। तो सिंपल इस तरीके से आपको यहाँ पर लगा देनी है स्टिच। अब हम साइड में भी लगा देंगे। हमने इसमें अस्तर का यूज़ नहीं किया है क्योंकि हमने नीचे वाले पार्ट में अपने घेर के अस्तर का यूज़ किया है, तो उससे ही काफ़ी सुंदर ग्रेस आपकी ड्रेस का आएगा। अब सिंपल हम क्या करेंगे गाइस, हमने 3 साइडेड सिलाई लगा ली है साइड में और नीचे की साइड, तो हम इसमें भर लेंगे घूम। ये देखिए गाइस आपको जैसे कि आपने पहले पार्ट में घेर में घूम भरे थे, सेम उसी तरीके से इसमें भी आपको घूम भर के लेके आने हैं। इसकी लंबाई 35 इंच थी, उसकी 36 इंच थी, आधा एक इंच में आपको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है, नहीं तो आप पूरा कंप्लीट फैब्रिक भी उसी की तरह ले सकते हैं। वैसे इसमें भी हमारा घेर अच्छे से सेट होके आएगा। तो ये देखिए हमने इस तरीके से इसमें भी घूम अपने स्टिच कर लिए हैं, बहुत ही अच्छे से हमारे घूम आ गए हैं। तो यहाँ पर भी हम एक सिलाई और लगा देते हैं पक्का करने के लिए घूमों को। तो अब इसको हम अटैच करेंगे अपने दूसरे घेर में। तो सिंपल गाइस हमें क्या करना है, अपना दूसरा घेर लेना है। पहले मैं आपको इसकी लंबाई दिखा देती हूँ एक बार। इसकी लंबाई आई है गाइस हमारी यहाँ पर 6 इंच, तो हम इसको अटैच करेंगे अपने दूसरे घेर में। तो ये देखिए गाइस हम दूसरा घेर लेंगे और इसको इस तरीके से पहले एक बार नाप कर देख लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से नापेंगे तो इसमें आधे इंच का फ़र्क है, तो हम 0.2 पॉइंट इधर से छोड़ देंगे और 2 पॉइंट दूसरी साइड से छोड़ देंगे, तो हमारा बराबर से आएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट छोड़ दिया है, फिर हमने इसको स्टिच करना स्टार्ट किया है। ये देखिए अब इस तरीके से इसको हम बराबर से दोनों को मिलाकर सिलाई से सिलाई मिलाकर अच्छे से अटैच करेंगे। ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे कर देना है, फिनिशिंग नहीं आएगी। वैसे गाइस अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है ये ड्रेस बनाने में। ये देखिए 2 पॉइंट ही हमारा दूसरी साइड गैप आया है और हमने इसको इस तरीके से स्टिच कर लिया है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको स्टिच कर लिया, आगे से पीछे से बराबर से फिनिशिंग आई है। अब क्या करेंगे, इसमें हम उरेप की पट्टी लगाएंगे। तो उरेप की पट्टी को हमने इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। ये 2 इंच की चौड़ी और लंबाई इसकी काफ़ी सारी है, जितनी हमें नीड होगी उससे हम नेफा बनाएंगे और इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे और सिंपल हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड किया, चाहे तो आप इस तरीके से भी डबल फोल्ड भी कर सकते हैं आप, या फिर सिंगल जिस तरीके से मैंने किया है इस टाइम सिंगल, इस तरीके से भी आप फोल्ड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट डबल फोल्ड करके भी आप यहाँ पर स्टिच कर सकते हैं, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। ये देखिए एक्स्ट्रा की उरेप की पट्टी हम कट कर देंगे। नेफा बनाने के लिए गाइज आपको उरेप की ही पट्टी लेनी है, उससे अच्छी फिनिशिंग आएगी आपके पोशाक में। ये देखिए गाइज अब हम लेंगे डोरी। डोरी को इस तरीके से रखेंगे, फैब्रिक को एक बार फोल्ड किया, फिर एक बार और फोल्ड किया, धागे यहाँ से कट कर देते हैं। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे अब हम अपने फैब्रिक को, और सिंपल हमें डोरी पर सिलाई नहीं लगानी है, डोरी से साइड में सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरीके से रखते हुए हमें सिलाई लगानी है गाइस, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। तो ये देखिए गाइस इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई को स्टिच करेंगे। ये देखिए मैं बिल्कुल आपको पास से दिखा देती हूँ, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं डोरी हमारी अंदर की साइड हमने कर दी है और बिल्कुल किनारे पर हम सिलाई लगा कर लेके आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब यहाँ से जो आधा इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको अंदर फोल्ड कर देंगे और सिंपल यहाँ पर इस तरीके से स्टिच कर देंगे पक्का करके। तो हमने इस तरीके से अपने पोशाक का घेर कर लिया है रेडी। ये देखिए कितनी अच्छी से फिनिशिंग आई है। इतना काम करने के बाद में गाइस आपको बनानी है इसकी चोली और इसमें करेंगे हम चोली अटैच। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा घेर आया है।
अब हमने चोली की पट्टी ली है, फिर हमने पाइपिंग वाली पट्टी ली है, इसको भी हमने डबल करके इस तरीके से इसके ऊपर रखा है। ये देखिए पट्टी के ऊपर पट्टी को इस तरीके से रखा है पाइपिंग की। अब क्या करना है गाइस, आपको सिंपल सिलाई यहाँ पर सीधी स्टिच करनी है, कहीं भी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और सिंपल सीधी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम सीधी सिलाई लगा देंगे और बहुत ही आसान है गाइस, कॉटन का फैब्रिक है, आपकी पाइपिंग बहुत ही सुंदर बनेगी। ये देखिए हमने इस तरीके से स्टिच किया, यहाँ से एक्स्ट्रा का कट कर दिया। कट करने के बाद में कुछ इस तरीके से हमारा फैब्रिक आएगा, धागे कट कर देंगे और इसको इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और सिंपल ऊपर से लगा देंगे सिलाई। जितनी भी चौड़ी आपको पाइपिंग बनानी है आप बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से पीछे की साइड आपको फैब्रिक को फोल्ड करना है और सिंपल सिलाई लगानी है, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होगी पाइपिंग बनाने में। ये देखिए मैंने सेम फैब्रिक ही लिया था पाइपिंग के लिए, आप चाहें तो दूसरे मैचिंग का फैब्रिक ले सकते हैं, उससे काफ़ी सुंदर लगेगी आपकी पाइपिंग। तो ये देखिए गाइस हमारी इस तरीके से ये पट्टी आई है, तो ये देखिए इस तरीके से हमारी पट्टी आई है। अब क्या करेंगे, इसकी पहले फिनिशिंग कर लेते हैं नीचे से, दोनों को आपस में उल्टी साइड से इस तरीके से हम 1.5 इंच तक स्टिच करेंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से दोनों को मिलाकर 1.5 इंच तक हमने 2 बार सिलाई लगाई है पक्का करके, और फिर यहाँ से धागे कट कर देंगे। धागे कट करने के बाद में ये हमारी चोली बन गई है, इसको हमें अटैच करना है अपनी पोशाक के साथ में। तो ये देखिए गाइस ये है हमारी पोशाक का घेर, तो इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में बीच में इस तरीके से निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद में अपनी चोली में भी हम यहाँ पर कट या फिर निशान लगा लेंगे और इसको बीच में ही हम स्टिच करेंगे। इस तरीके से रखेंगे चोली में, चाहें तो आप निशान लगा लें या कट लगा लें, और इस तरीके से आपको रखनी है। ध्यान रखना है डोरी पर सिलाई नहीं लगानी है गाइस, और इस तरीके से आपको यहाँ पर ये स्टिच करनी है। ये देखिए इस तरीके से स्टिच कर देंगे और हमारी ड्रेस हो गई है गाइस कंप्लीट। बहुत ही ब्यूटीफुल सी आरामदायक कॉटन की ड्रेस आप इस तरीके से कान्हा जी के लिए बना सकते हैं। फिनिशिंग देख सकते हैं गाइस आप कितनी अच्छी आई है, जितने भी धागे हैं एक्स्ट्रा उनको आप कट कर दें। ये देखिए कितने अच्छे से फिनिशिंग आई है हमारी पोशाक में। मार्केट में ऐसी ड्रेस आपको नहीं मिलने वाली है, इसलिए खुद से ही बनाइए और पहनाइए। अब लिया है मैंने ये कॉटन का फैब्रिक कैप के लिए, 7.5 इंच की लंबाई है और 5 इंच की चौड़ाई है। अगर आप ये 4 नंबर से बड़े कान्हा जी के लिए बना रहे हैं जैसे कि 5-6 इंच, तो आपको इसमें 1-1 इंच ऐड करते जाना है लंबाई में। तो ये देखिए सिंपल हमने इसको डबल फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद में लास्टिक को हमें इस तरीके से खींच कर लगाना है। लास्टिक का कोई साइज नहीं है, बस आपको लंबाई का ध्यान रखना है। अगर आप 4 नंबर के लिए बना रहे हैं तो 7.5 इंच लंबाई, 5 नंबर के लिए बना रहे हैं तो 8.5 इंच लंबाई, 6 नंबर के लिए बना रहे हैं तो 9.5 इंच लंबाई, चौड़ाई आपको इतनी ही लेनी है। और इस तरीके से आपको एक बार स्टिच और करना है, खींच के ही हम अपनी लास्टिक को लगाएंगे जैसे कि हमने पहले लगाई थी। लास्टिक का कोई साइज नहीं है, बस आपको खींचकर फैब्रिक में लास्टिक लगानी है, बिल्कुल परफेक्ट आपकी कैप बनेगी। तो ये देखिए अब क्या करेंगे गाइस, हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे कैप के फैब्रिक को और सिंपल एक सीधी सिलाई यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर लगाएंगे हम सिंपल सीधी स्टाइच सिलाई पक्का करके। तो ये देखिए गाइस इस तरीके से हम पक्का करेंगे और यहाँ पर सीधी स्टिच सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद में क्या करना है गाइस, हमें इसे सुई से ही सिलना है पूरा। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से सुई लेंगे और 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए इस तरीके से इसमें एकदम राउंड में टांके भरेंगे। ये देखिए पूरे सर्किल में हमें इस तरीके से ही टाँके निकालने हैं। 1/2 इंच का फैब्रिक हमने ऊपर छोड़ दिया है जहां हम टाँके लगा रहे हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, कैप बहुत झटपट आपकी बन जाएगी। और इस तरीके से सारे फैब्रिक को इकट्ठा करके इसमें 4-5 बार राउंड राउंड टैप कर देंगे इसको मजबूत के लिए, और इस तरीके से यहाँ पर 2-3 बार नॉट लगा देंगे, स्टिच कर देंगे सुई धागे से पक्का करके। ये देखिए गांठ लगा देते हैं, एक बार और स्टिच कर देते हैं जिससे कि हमारी कैप अच्छे से पक्की हो जाए, खुले नहीं और बहुत ही मजबूत। आप इसको वॉश भी कर सकते हैं, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्स्ट्रा का थोड़ा सा फैब्रिक हम यहाँ से कट कर देते हैं, ये देखिए ज़्यादा कट नहीं करना है, थोड़ा सा ही करना है। और इस तरीके से फिनिशिंग के साथ आपकी कैप बनकर आएगी और बहुत ही अच्छे से कान्हा जी के कंफर्टेबल ये कैप आने वाली है समर की। और ये देखिए हमारी पोशाक और हमारी कैप कान्हा जी के लिए रेडी है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर हमने ड्रेस के लिए लिया था, एकदम समर के लिए लाइट वेट, और बहुत ही सुंदर हमारे कान्हा जी पर ये पोशाक लग रही थी। आई होप गाइस आपको पसंद आई हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मैंने पहले ही कान्हा जी की ये पोशाक आपको पहनाकर कान्हा जी को दिखा दी थी,
आई होप गाइस आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, बाय बाय।